आज मैं अपनी वीडियो में बताऊंगा कि आपकी स्ट्रिप जो होते हैं ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं और इन्हें कैसे कैसे कहाँ कहाँ कब कब यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए कि ये है आपकी, ठीक है, इसे जो बोलते हैं ST2 बोलते हैं। ST2 क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें टू पोल होते हैं, यानी एक न्यूट्रल फेस का होता है। ठीक है, ST2 बोलते हैं। ठीक है, ये देखिएगा जीत के ये कितने एम्पेयर की है, तो ये इसके कितने एम्पेयर की है, ये एम्पेयर भी इसके पीछे लिखे होते हैं। ठीक है, 30 एम्पेयर की लिखी हुई, ठीक है, और ये ST2 30 एम्पेयर की है। ठीक है, ऐसे ही अब आप ये देखिएगा इसी पी स्ट्रिप को देखते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रिप जो है ST2 है, ठीक है, और कितने एम्पेयर की है, 60 एम्पेयर की है। ठीक है, और देखिएगा टू, क्योंकि इसमें टू पोल है, यानी एक न्यूट्रल फेस के लिए। ठीक है, ये और ये देखिएगा ये आपकी, क्योंकि इसमें थ्री पॉइंट दिए गए, थ्री पोल दिए गए हैं। ठीक है, तो इसका ये ST3 हो जाएगी। ठीक है, देखिएगा ये हो जाएगी आपकी ST3। ठीक है, और ये 500 वोल्ट तक आपकी जो कवर करेगी। ठीक है, और ये कितने एम्पेयर की, 60 एम्पेयर की होती है। ठीक है, ऐसे का आप ये देखिएगा। ठीक है, तो ये जो है हमारी क्या है, ST4 है और 60 एम्पेयर तक है। ठीक है, देखिएगा ST4 यानी कि इसमें 4 पॉइंट दिए गए। ठीक है, तो ये आपकी जो स्ट्रिप है, यानी कि ST2, ये ST2 है, ये भी ST2 है, ये ST3 है, ये ST4 है। ठीक है, तो इनका यूज आप कैसे कर सकते हैं, कहाँ कर सकते हैं, और इनके यूज करने से आपको क्या फ़ायदा होगा, ये मैं आज आपको वीडियो से बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए मैं बताता हूँ कि इन स्ट्रिप का प्रयोग आप कैसे कर सकते हैं, कहाँ लगा सकते हैं। ठीक है, और इन लगाने से आपको क्या फ़ायदे हो सकते हैं। ठीक है, देखिएगा अगर मान लीजिएगा आपकी ये दो वायर हैं, ठीक है, एल्युमिनियम की दो वायर, अगर आप इन दो वायर को आप जो है आपस में ज्वाइंट करते हैं, यानी कि जोड़ते हैं। ठीक है, ये देखिएगा अगर हम इन्हें प्लास्टिक कितना भी जोड़ लेते हैं, ठीक है, ये देखिएगा, ये देखिएगा, ठीक से अगर हम इसे कितना भी जोड़ने की कोशिश करें तो ये हमारा जो है ठीक से ज्वाइंट नहीं हो पाता है। ठीक है, नहीं हो पा रहा ना ज्वाइंट, अगर हम इसमें ज्वाइंट भी कर देते हैं, ठीक है, हो ही जाता है, तो इसमें कुछ दिनों बाद जो कार्बन आ जाता है और वो कार्बन जलने लगता है, जिससे क्या होता है कि हमारी पूरी ही वायर ये जलनी शुरू हो जाती है। ठीक है, पूरी वायर जल जाती है, जिससे हमारे इसमें जो सर्किट जो शॉर्ट सर्किट हो सकता है। ठीक है, क्योंकि न्यूट्रल फेस आपस में मिल जाएंगे तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। ठीक है, तो देखिएगा इन्हीं ऐसे ज्वाइंटों से बचने के लिए ही जो है इन स्ट्रिप का, इन जो स्ट्रिप है हमारी, ठीक है, इनका प्रयोग करते हैं। ठीक है, देखिएगा अब अगर आपकी ये जो लगाई जाती है लोड के ऊपर लगाई जाती है, अगर आपका जो लोड 60 एम्पेयर तक है तो आप 60 एम्पेयर की स्ट्रिप लगाइएगा। ठीक है, और अगर 30 एम्पेयर का है तो 30 एम्पेयर की लोड लगाइएगा। ठीक है, तो देखिएगा हम 60 एम्पेयर के लोड के लगाइए स्ट्रिप का यूज बता रहे हैं। ठीक है, देखिएगा ये पहले हम क्या कर देते हैं, इस स्ट्रिप को खोल लीजिएगा इसे। ठीक है, ये इधर से हम खोल लेते हैं और इसे इस तरह से कस देते हैं। इसे टाइट करके कस देते हैं। ठीक है, ये तो हमारा न्यूट्रल हो गया। तो ठीक है, तो न्यूट्रल के साथ जो है हम इधर न्यूट्रल ही जोड़ते हैं। ठीक है, ये टाइट करके कर देते हैं। ठीक है, ये आता है हमारा फेस, और फेस को हम इधर जोड़ देते हैं। ये जोड़ देते हैं। ठीक है, और ये दूसरी तरफ जो फेस है हमारा, इस फेस को हम ये वाला वायर इधर जोड़ देते हैं। और इन्हें अच्छी तरह से टाइट कर देते हैं। ठीक है, तो अब हमारे क्या होगा, देखिएगा ये मैंने अच्छी तरह से टाइट कर दिया है ये। ठीक है, अब हमारा ये फेस से फेस कनेक्ट हो गया है। ठीक है, न्यूट्रल से न्यूट्रल कनेक्ट हो गया। अब ये जो है इन दोनों के बीच में हमने टाइट कर दिया है, तो इसमें क्या होगा कि हमारे अंदर जो इसमें जो एल्युमिनियम वायर में जो जल्दी से स्पार्किंग आ जाती है। ठीक है,
वो स्पार्क हमारी ख़त्म हो जाएगी और हमारा शॉर्ट सर्किट के चांसेस कम रहेंगे। ठीक है, देखिएगा ये स्ट्रिप इस तरह से आप लगा सकते हैं। ये इससे आपको क्या होगा कि आपके जो जो एल्युमिनियम के जॉइंट जो है, ठीक है, वो कभी भी लूज नहीं होंगे। ठीक है, स्पार्किंग नहीं होगी और क्या शॉर्ट सर्किट भी नहीं होगा। ठीक है, ये एल्युमिनियम तो इस तरह स्ट्रिप लगा सकते हैं, मगर ये स्ट्रिप जो लगानी है आपको लोड के हिसाब से लगानी है। अगर आपका लोड कम है तो आप 30 एम्पियर की, ठीक है, 30 एम्पियर की स्ट्रिप लगा लीजिएगा, और ज़्यादा है तो आप 60 एम्पियर का स्ट्रिप लगाइए। ठीक है, तो इसके लगाने से आपका यही फायदे होंगे कि आपके जो है इन इस जो दो ज्वाइंट एल्युमिनियम के जो दो ज्वाइंट होते हैं, ठीक है, उसमें स्पार्किंग नहीं होगी। ठीक है, और स्पार्किंग नहीं होगी तो सर्किट या केबल में आग नहीं लगेगी। ठीक, देखिए मैं आप बताता हूँ एल्युमिनियम और कॉपर के जॉइंट, अगर एल्युमिनियम और कॉपर का जॉइंट करते हैं ना, ठीक है, तो आप एल्युमिनियम का कॉपर का जॉइंट भी अगर आप कितने भी कर लीजिएगा, इस पर टेप लगा लीजिएगा, कुछ भी कर लीजिएगा, तो एल्युमिनियम का जॉइंट भी आपका ठीक से नहीं हो पाता, क्योंकि इसमें लूजिंग या स्पार्किंग होती रहती है, और स्पार्किंग लूजिंग जो होगी तो उससे क्या होगा, वायर में आग लग जाएगी, सर्किट शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इससे भी आपका नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो अगर आप एल्युमिनियम और कॉपर का जॉइंट कर रहे हैं तो भी आप स्ट्रिप लगाइएगा। तो देखिएगा एल्युमिनियम के जॉइंट में और कॉपर के जॉइंट भी आप करना है। ठीक है, तो ये भी आपको इसी तरीके से करना है। ठीक है, देखिएगा ये वीडियो जो बनाने का मेरा मेन उद्देश्य है कि आपके जो घर में जो इस तरह के शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं या एल्युमिनियम के या कॉपर के जो जॉइंट होते हैं, ठीक है, उनमें जो आपके जलने से शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं, ठीक है, तो उनसे बचना है, बचाना है आपको, कि ताकि आपके सर्किट शॉर्ट ना हो, ठीक है, और आपको किसी प्रकार की हानि ना हो जाए। ठीक है, यानी कि अगर अगर आप जो इन स्टिपों का प्रयोग करोगे, ठीक है, आप जो शॉर्ट सर्किट से बच सकते हैं। देखिएगा जैसे ये हमने कर लिया, जो इधर तो हमने एल्युमिनियम का लगा दिया, ठीक है, और इधर वायर जो हमने ये कॉपर की लगा देते हैं, ठीक है, इधर वायर जो कॉपर का ज्वाइंट लगा देते हैं। ठीक है, देखिएगा जब ये अच्छी तरह से टाइट हो जाएंगे, ज्वाइंट हो जाएगा, तो इन दोनों में क्या होगा, स्पार्किंग नहीं होगी। ठीक है, अगर स्पार्किंग भी होती है, अगर आपका ओवरलोड भी हो जाता है, तो क्या होता है, आपकी ये स्ट्रिप ही जलती है। ठीक है, स्ट्रिप ही जलेगी और जो है आपका और लाइन में फॉल्ट नहीं होगा और स्ट्रिप को आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको बताया है कि आप जो इन स्ट्रिपों का प्रयोग कैसे कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, कहाँ कर सकते हैं, और इनसे आपको क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। ठीक है, तो स्ट्रिप्स का प्रयोग करने से आपको क्या फ़ायदा होगा कि आप तो एक तो शॉर्ट सर्किट से बच जाएंगे, जलने से आपकी जो वायर है जलने से बच जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है सर्किट को ज्वाइंट कर सकते हैं एल्युमिनियम, और मैंने बताया आपको कि एल्युमिनियम और कॉपर के वायर, एल्युमिनियम अगर एल्युमिनियम को आप जोड़ते हैं तो उसमें भी स्पार्किंग रह जाती है। ठीक है, और एल्युमिनियम और कॉपर को जोड़ते हैं तो भी उसमें स्पार्किंग हो जाती है, होती है। ठीक है, तो अगर आप ये स्ट्रिप लगाएंगे तो उसमें आपके सर्किट में स्पार्किंग नहीं होगी। ठीक है, तो आप इस तरह से आप ये स्ट्रिप लगाकर ST2 ST3 जो भी आपका है, ठीक है, ये लगाकर और एम्पेयर के लोड के हिसाब से लगाकर आप जो है घर में होने वाली जो वायर है उसे जलने से बचा सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा।